दोस्तों नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों ये देखिए, मेरे कुछ यूफोरबिया मिली हैं, बहुत ही प्यारे से कलर हैं और बहुत अच्छी तरह से ये अभी ब्लूमिंग कर रहे हैं और अभी पूरी समर तक ये ब्लूमिंग करेंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो तुलसी प्लांट को कैसे हम डोरमेंसी से बाहर निकालेंगे, इसी पर है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए मेरे तुलसी के प्लांट और बिल्कुल सूख सा गया है, और ये देखिए कैसे झाड़ जैसी बन गई है ये। और ये सारे जो सूखे हुए टहनियाँ हैं उसको मैं अभी कट कर लूंगी। ये अभी देखिए ये ग्रीनरी है यहाँ पर, तो ये सूखे नहीं है पूरी तरह से। और ये देखिए ये सारे अभी ये जो ब्रांचेस हैं इनको मैं कट कर दूंगी। और कट करने के बाद इनमें थोड़ी सी खाद दे देंगे और देखिएगा 10 दिन के अंदर इसकी ग्रोथ कैसे होती है। और मैं पूरी अपडेट भी दूंगी अभी इसी वीडियो पर। तो यहाँ देखिए, ये देखिए मैंने ये प्लांट को पूरी तरह से प्रूनिंग कर दी है, हार्ड प्रूनिंग कर दी है। और अभी ये जो थोड़े थोड़े मिट्टी को गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई के बाद ये देखिए मिट्टी अभी थोड़ी गीली है, अभी इसमें ये एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम खली, थोड़ी सी एप्सम सॉल्ट, बस इतना ही देना है। इसमें अच्छी तरह से ये मिट्टी में इसको मिला लेना है। ये देखिए, और फिर इसमें हम अभी पानी दे देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हमने इसकी पूरी तरह से प्रूनिंग कर दी और खाद पानी भी दे दी और इसे हम अब छोड़ देंगे। दोस्तों ये 12 दिन का बाद का रिजल्ट है। देखिए मैं प्लांट पर कितना अच्छा ग्रोथ आ गया है, ये देखिए कितना घना और बुशी सा लुक आ गया है ये प्लांट पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, और फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।